भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि पाकिस्तान का हशर देख लो, कंडीशन देखो, हाल देखो, क्या है कि पूरी दुनिया देख रही है और हंस रही है, और एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये सच है। जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। देश बैंकरप्सी के हालत में है, कब खत्म हो जाएगा? आप डिफॉल्ट हो चुके हो, खाली ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रहे हो। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जो जिसकी नौबत यहां तक आ गई है कि उसकी जो लीडरशिप है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जूते चाटने तक उतर आए हैं। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9% जी। इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो उसमें इंडिया की यूथ इंटरेस्टेड है। हमारी ग्रोथ 1% है। ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब। आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सब ने राइजिंग भारत अनुभव किया है। जो मोदी साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो है बातचीत की है, एग्जैक्टली आप सही समझे हैं, वो जो है CN18 पर राइजिंग भारत के मौके पर जो ये इवेंट था इसके ऊपर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने स्पीच की और उन्होंने अपनी स्पीच का स्टार्ट ही बालाकोट के वाक्य से किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो इससे पहले, यानी जब 5 साल पहले आए थे, जिस वक्त भी वो उस इवेंट में पहले आए थे तो उस दिन वही उससे एक दिन पहले था, और उनका कहना था कि मैं आया था, मुझे सब, यानी जाहिर है वो सब जानते ही होंगे कि क्या होने लगा है, तो फिर मैंने कुछ नहीं बताया और इस तरह मैं चला गया और फिर अगले दिन हमने देखा। ये मैसेज नहीं है असल में, उनका जो मैसेज है उसके अंदर, उसके ऊपर मैं अब बात करूंगी। तो जनाब, उन्होंने जो उसमें ये कहा कि देखिए कि क्या हाल है इस वक्त, क्या हशर है पाकिस्तान का, उनका इशारा इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उसकी तरफ, और जो दहशतगर्दी के हाल है जो कि हम डेली बेसिस पे बात करते हैं कि मुल्क का क्या हाल है इस वक्त, तो उसके ऊपर जब आपका कोई राइवल या आपका ओपोनेंट इस तरह बात करता है तो फिर तो लगती है ना बात, तो लगती लगेगी और लगी है या नहीं है वो तो हो सकता है इसके ऊपर भी कोई जवाब आए तो हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे क्या जवाब आएगा सर, लेकिन किस वजह से ये हाल हुआ उन्होंने उसकी तरफ भी इशारा किया। तो मोदी साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान को जो है ना वो करारी सी एक लगा दी है, दहशत गर्दी जो है उसका नतीजा जो है वो कभी भी अच्छा नहीं निकलता, और जो रास्ता है वो दहशत गर्दी का नहीं है बल्कि अमन का है और तरक्की का है। तो देखिए इसके अंदर हमने ये देखा कि ये तो सच है ना कि जो बहुत सारे ऐसे दहशत गर्द अनासिर जिसके ऊपर फिर बहुत से सवालात पूरी दुनिया से उठे और पाकिस्तान पर उंगलियां उठी, उसके बाद फिर उनको बंद करना पड़ा, FATF की टीम आई मुल्क के अंदर पाकिस्तान में और वहां पर जो है उनकी बात मानना पड़ी, उससे पहले सारे स्टेप्स लेना पड़े, बहुत कुछ करना पड़ा, उसके बाद FATF से नाम निकला, तो FATF में नाम गया ही क्यों, ठीक है ना, तो फिर ये इकदाम करने पड़े जो कि पहले नहीं किए थे। तो जो वो ये कह रहे थे कि इसका रिजल्ट जो है वो ये देखा देख रहे हैं हम कि इस वक्त मुल्क किस सूरत हाल में है, कि उन्होंने कहा कि हशर देख लो पाकिस्तान का। भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि पाकिस्तान का हशर देख लो, कंडीशन देखो, हाल देखो, क्या है कि पूरी दुनिया देख रही है और हंस रही है, और एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये सच है, ये बड़ा ही कड़वा सच है लेकिन सच है, 16 आने दुरुस्त बात है। तो इससे पता ही चलता है कि जो दहशतगर्दी के जो भी मतलब हुआ, अगर उसकी जगह पर तरक्की का सोचा जाता, अगर वो जो देखे ना, हम खुद ही तो देखे वहां पे क्या कि कभी जो कौमी धारे में ले आते हैं, कभी दहशतगर्द दोस्त बन जाते हैं, कभी गुलामी की जंजीरें तोड़ देते हैं, वही फिर उसके बाद वही तालिबान और TTP जो है वो दुश्मन बन जाती है, फिर उनके साथ सुलह मशवरे होने लग पड़ते हैं, चाय पी जा रही होती है, फिर उनको जाके जो जिरगे जो है मनाने चले जाते हैं, फिर जनाब एहसानुल्लाह एहसान और कौन कौन जो है उनको कौमी धारे में ले लिया जाता है, फिर ये पता चलता है कि इन्होंने तो इतने बच्चों को मार दिया, इन्होंने तो ये कर दिया, फिर उनको बंद कर दिया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, फिर उनको बंद कर दिया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या है, और फिर ये
कि जो कश्मीर की रट रट लगाए रखी, कभी इकोनॉमी पे कभी वही नहीं दिया। इकोनॉमी पे अगर जोर दिया जाता, अगर अपनी सारी तवानाइयां, तमाम एनर्जी, तमाम कुव्वतें इस बात पर खर्च की जाती कि हमने भी आगे बढ़ना है इस खत्ते में, इस रीजन में, चले दुनिया में नहीं, कम से कम इस रीजन में हमने अगर आगे नहीं बढ़ना तो उन अपने हमसाया कंट्रीज के साथ शाना बिशाना, मतलब साथ साथ चलना है, उनसे पीछे नहीं रहना भाई, पीछे रह जाएंगे। तो अगर आप अपनी जो एनर्जीज हैं उसके ऊपर सर्व करते तो फिर जो है आज ये किसी को कहने की जरूरत ही ना पड़ती। आज भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये ना कह रहा होता कि देखो हाल क्या हुआ इनका, अंदाजा करो ये नतीजा निकलता है आतंकवाद का या दहशतगर्दी का या दहशतगर्द। देखिए अमीर अब्बास साहब, आपने मुझसे सवालात किए, आपको एक बात कहनी चाहिए थी जो आपने नहीं कही जी, और यही पाकिस्तान का मसला है। वो ये है कि इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9% जी, चलो 9.5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 5 साल तक इंडिया। हमारी ग्रोथ 1% है। तो मुझे ये आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान की ग्रोथ 1% है, इंडिया की 9% है, चलो 9 को छोड़ो, 7-8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, हमारे में कौन सा ऐसा जख्म है, हमारे में कौन सी ऐसी खराबी है जो हम 8 और 9 नहीं कर सकते। आप बार बार कह रहे हैं कि आपका मुंह मैं क्यों खुलवाना चाहता हूँ, आप मेरा मुंह भी मत खुलवाएं। हमारे साथ क्या बीमारी है वो आपको भी पता है कि हमारे साथ क्या बीमारी है। हमारे साथ क्या बीमारी है, हमारे साथ दो बीमारियां हैं। हमारे साथ पहली बीमारी ये है कि हमने आज तक कंपैरेटिव आपने भी नहीं किया, हम किससे कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान, इमरान खान वर्सेस पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी वर्सेस मुशर्रफ। अब चार कुएं के मेंढक आपस में कंपेयर करते रहते हैं, वो कुएं से बाहर देखते नहीं कि भाई कुएं से बाहर क्या हो रहा है। जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, आपसे बेहतर उसके ऊपर कौन बोल सकता है। आप जमहूरियत के हवाले से बहुत ज्यादा हम बात करते हैं सर, ये जो इस वक्त एक डेमोक्रेसी समिट हो रही है कोरिया में, और हम देख रहे हैं कि जब भी ये समिट होती है तो ना तो पाकिस्तान जाता है ना उसको बुलाया जाता है, और कोई ऐसा बात भी नहीं होती, यानी कोई जमहूरियत की बात ही नहीं होती पाकिस्तान के अंदर कि भाई इस तरह की कुछ तो कहा जाए, कोई मैसेज आए, यही कह दिया जाए हमें क्यों नहीं बुलाया। इसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन भी गए हैं काफी, एक तो ये कि वहां पे क्योंकि उन्होंने ताइवान को बुलाया था जिसके ऊपर चाइना ने जो है बड़ा एतराज किया, लेकिन इसके अंदर इंडिया की तरफ से जो मैसेज गया है। अच्छा बर्शन साहब, इसके अंदर ये भी कि उन्होंने कहा कि ये जो एक एक्सरसाइज हो रही है इंडिया में इलेक्शन की, दी लार्जेस्ट इलेक्शंस जिसको कहा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसी एक फेस्टिवल की तरीके से जो है ये इसको मनाया जा रहा है और आगे चल के आप इसको देखेंगे ऐसे ही। तो सर मेरा सवाल तो इसमें सबसे पहले आपसे यही होगा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है कोई उस वहां पे बात ही नहीं होती डेमोक्रेसी की समिट की, और उसमें ये है कि हालांकि चाइना अगर बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो पाकिस्तान को इनवाइट करवा सकते हैं या लेकर जा सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन ऐसा भी कुछ नजर नहीं आता, तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखें जी, इसकी वजह तो बड़ी क्लियर है। पहली बात यह है कि आप अगर पाकिस्तान के आज के बड़े अखबार उठा के देखें, इससे आज से मराद इस समिट के दौरान के 2 दिन के, तो आपको इस हवाले से कोई बड़ी न्यूज़ नज़र नहीं आएगी।